नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, मेरा नाम भावना सोलंकी है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं 2006 से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हूँ। आज एक कोरोना वायरस ने पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो हजारों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मेडिकल साइंस भी इस बीमारी का इलाज ढूंढने में असमर्थ रही है। यह जो वायरस है, यह बहुत ही तेजी से पूरे मनुष्य जाति का विनाश करने के लिए तैयार है। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इससे कैसे बचा जा सके। हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आप सभी से, भारतवासियों और सभी दुनिया के लोगों से और सभी राष्ट्रीय प्रमुखों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस कोरोना जैसी भयानक बीमारी का इलाज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। दोस्तों, यह बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हजारों ऐसे लोग हैं जिनको असाध्य बीमारियां थी, जिनका इलाज साइंस भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी सद्भक्ति के द्वारा ठीक कर दिया है। दुनिया के सभी भविष्यवक्ताओं ने बहुत पहले ही इस बारे में बहुत कुछ कह दिया था। जैसे कि रविदास जी की पोथी में यह जिक्र आता है कि इस महामारी का एक ऐसा समय आएगा कि जब मानव जाति पर मौत का खतरा मंडरा रहा होगा। हजारों लोग मौत के घाट उतर चुके होंगे। नमस्कार देशवासियों, आज भारत तथा पूरा दुनिया इस कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है और इसका साइंस भी कोई आज तक वैक्सीन या कुछ ढूंढ नहीं पाई है। ऐसी हालत में हमें थोड़ा सा परमात्मा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और आज की हालत में हम सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं यदि हम सभी मिलकर जाके उनसे प्रार्थना करें। और हम लोगों ने ये देखा है, संत रामपाल जी महाराज ने आज तक लाखों लोगों को कैंसर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से दूर किया है। और यदि हम सभी मिलके और हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही गुजारिश है, यदि वो जाएं एक बार वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करें तो इस महाबीमारी को क्षण भर में संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के भेजे हुए अवतार हैं और वो इस चीज़ को 100% इस दुनिया से दूर करके सारी दुनिया में शांति कायम कर सकते हैं। धन्यवाद।